जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को आपकी स्टूडेंट लाइफ की एक मेमोरी रिकॉल कराती हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते थे और उस वक्त आपके किसी सब्जेक्ट में कोई डायग्राम, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई न्यूमेरिकल मिसप्रिंट हो जाता था, डायग्राम इतने ब्लर होते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या बनाओ। उस चक्कर में कई बार आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर लेते या फिर टीचर के करेक्शन का इंतजार करते रहते थे। और दूसरा, जो आपका एग्जाम हॉल का इन्विजिलेटर था, वो कहता था वेट करो, जब टीचर आएगा तो करेक्शन करा के जाएगा, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो। वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए, तो ये समस्या मैं जेन्युइन मानती हूँ। बट सबसे बड़ी समस्या हो जाती है सब्जेक्ट टीचर्स के लिए कि अगर उनके सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, डायग्राम बेस्ड हैं, पाई चार्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, इक्वेशंस हैं, ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन पेपर डिसाइड करने के लिए आपको ऑनलाइन जब आप फ्रेम करते हैं तो आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट होना भी जरूरी है। बट इसी चीज में बहुत सारे टीचर्स पीछे रह जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इतने अच्छे से रूबरू नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके स्केल को कम आंका जा रहा है, कम सैलरी दी जा रही है, और उनका असेसमेंट और जो इवेल्युएशन होता है टीचर की सैलरी पैमाने का, वो भी कम कर दिया जाता है। बट अगर आप स्टूडेंट टीचर हो, एक ट्यूशन टीचर हो, अगर आप होम ट्यूटर हो, स्कूल टीचर हो, अपना इंस्टीट्यूट रन करते हो, तो अब आपके लिए ना क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना सेकंड्स का काम रह गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने में हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है जैकेट, एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचिए, कोई बुक से जो है फोटो खींच लीजिए, जहां से आपको जो टेक्स्ट उठाना है, जो डायग्राम उठाने हैं, जो पीडीएफ जहां पर आपके पास पड़ी हुई, कुछ भी ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में आपके पास है, जहां से आपको कॉपी करके आपको जो क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो आपको बनाना है। सेकेंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा, और जो कि आपको कोई चार्जेस नहीं कर रहा है। इस वीडियो में सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है और कितना इजी बना दिया है इससे टीचर्स की लाइफ को। तो आप सभी टीचर्स से मैं जरूर कहूंगी कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते चलिए, आपकी जो स्किल्स है ना, वो दिन रोज की निखरती चली जाएंगी। अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन करके स्ट्रेस में डालने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपना काम स्मार्टली हैंडल करेंगे, उतना ही प्रेजेंटेबल तरीके से, क्योंकि आप अपने, मान लीजिए, जो एनर्जी क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने में लगाते थे, उस एनर्जी से आप अपने स्टूडेंट्स को उतने ही पावर से पढ़ा सकते हैं और उसका बेहतर रिजल्ट देंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 टेस्ट 2 टेस्ट, अब आप एक्स्ट्रा जो टेस्ट हैं, जो क्विजेज हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन होता था कि भाई मैं क्विज कैसे डिजाइन करूं, मतलब कौन टाइप करे, कौन कहां से लैंग्वेज सीखे, इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे सीखे, यहां वहां से आप चुराते थे। तो वो सारी चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि जैकेट पर किस तरीके से काम करते हैं। बट आप लोगों को एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने, गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए फटाफट से इस प्लेटफॉर्म के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर आप अपना मेन इंटरफेस खोल सकते हैं, जहां पर आपके पास कोई भी पीडीएफ पड़ी हो, कोई फोटो पड़ी हो, वहां से आप अपना जिस भी टाइप का क्वेश्चन पेपर डिसाइड करना चाहते हैं वो डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ईजी सेकेंड्स में ये काम आपका हो जाएगा, आपको जस्ट कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसमें कोई चेंजेस करने की, एग्जैक्ट मुझे सेम डिक्टो कॉपी नहीं करना, कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, कोई इक्वेशन चेंज करना चाहते हैं, वो भी बेहद आसान काम है। ये पूरा का पूरा डायग्राम देखिए सेकंड्स के अंदर कॉपी हो गया, इसका पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट आपके लिए इतना इजीली कॉपी हो गया विदाउट एनी मिस्टेक्स। आप कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपकी कोई इक्वेशन हो, पाई डायग्राम्स हो, जो टीचर के लिए घंटों लगते थे डिजाइन करने में, और फिर उसमें भी करेक्शंस मिस्टेक्स के इतने ज्यादा चांसेस रहते थे, जिससे कि उसका वर्कलोड जो है टीचर का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और सबसे ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक्स के इतने बड़े बड़े डायग्राम्स होते थे, ये बनाना अपने आप में क्वेश्चन पेपर में टीचर के लिए, चाहे वो मैन्युअली बनाता था, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना रहा होता था, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते थे। और बात आती है अगर लैंग्वेज की, तो जहाँ पर लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि भाई हिंदी जैसे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, इस क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करने के लिए, तो बहुत ही सारी किल्लत जो है वो करनी पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हिंदी है, चाहे केमिस्ट्री के आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके वैल्यूज हैं, आपकी इक्वेशंस हैं, सेकंड्स के अंदर आप यहां कॉपी करेंगे और एज इट इज देखिए पूरा उसी फॉर्मेट में एमसीक्यू बेस्ड में आपको कॉपी करके सेट करके दे रहा है। तो ये काम जैकेट की बदौलत आप लोगों के लिए बेहद आसान हो गया। आप सभी टीचर्स से कहूंगी कि एक बार इसे जरूर यूज करें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया है जहां से इजीली आप इसे एक्सेस कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी टीचर्स के लिए खासा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक्सट्रीम वायरल कर दीजिए, सभी ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, होम ट्यूटर सब तक पहुंचा दीजिए कि भाई ऐसे बना लो अपना क्वेश्चन पेपर। बहुत इजी टास्क है, चाहे सरकारी स्कूल के वो जो एक्यूज मारते हैं कि भाई हमें तो टेक्नोलॉजी आती नहीं, हम तो ऐसे नहीं फ्रेम कर सकते क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए ऑनलाइन, तो सब ये टास्क जो है वो जैकेट ने अपने सर पर ले लिया और आपके टास्क को बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे कमेंट जरूर बताना और आपकी जो क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जैकेट के बारे में इन डिटेल प्रोसेस, इन डेप्थ प्रोसेस की और वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, बट जब आप मुझे कमेंट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना, हमारी इस टीचिंग कम्युनिटी को और बड़ा और मजबूत बनाएंगे। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना क्योंकि तभी आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।